करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि टॉपिक जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि सोल्यूशन, ठीक है, आप ये समझ लें कि ये एक सोल्यूशन होता है, अ सोल्यूशन विच या हुज पीएच, इसका जो पीएच होता है, हुज पीएच डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। सर आप कल ये करा समझ लें कि लीजिएगा। सिग्निफिकेंटली, थोड़ा सा लिख लें, ये लफ्ज जो हमने कल यूज किया था ना, सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंटली का मतलब है किसी हद तक, ये नहीं कि बहुत ज्यादा, किसी हद तक चेंज नहीं होता। जब व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, चाहे एसिड उसमें डाल दें या बेस डाल दें, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड आप उसमें एसिड डाल दें और बेस इज एडेड इन टू इट, ठीक है, एडिट इन टू इट, बस खत्म। ये तो हमने इसकी पढ़ ली डेफिनेशन, ये कल हमने पढ़ ली थी, ठीक है, कि एसिड क्या होता है, बफर सॉल्यूशन क्या होता है, कि बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है हुज पीएच डज नॉट चेंज, ठीक है, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड इन टू इट। मिसाल दे रहा हूँ आपको, मैं एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। सपोज आपके पास एक बर्तन है, अ बीकर है, इस बर्तन के अंदर हमने क्या लिया हुआ है, आप ये समझ ले कि हमने एक सब्सटेंस या सॉल्यूशन लिया हुआ है, ठीक है, और इसका पीएच जो है फर्ज करो कितना है, बल्कि हम ये समझ ले कि इसका जो पीएच है राउंड अबाउट ये है 7.3 है, जैसे हमारे ब्लड का होता है, हमारे ब्लड का जो पीएच होता है ना बेटा, वो राउंड अबाउट 7.3 से तकरीबन 7.45 तक तकरीबन होता है, ठीक है। अब हमारे ब्लड का पीएच है, तो अगर हम कुछ अमाउंट में एसिड इसके अंदर डाल दें, अपने ब्लड के अंदर एसिड थोड़ा सा अमाउंट, ठीक है, और या कुछ कुछ बेस डाल दें, बेस, ठीक है। अब बेस आपको पता क्या होता है, जैसे NaOH बेस हो गया, ठीक है, और एसिड कौन सा होता है, जैसे HCl, ठीक है। तो अगर तो इसका पीएच चेंज नहीं होता तो फिर ये ब्लड क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा बेटा, ये बफर सॉल्यूशन कहलाएगा, बफर सॉल्यूशन कहलाएगा, क्यों, अगर तो इसका पीएच चेंज नहीं होता। अब देखो आपको पता है जब आप कोई ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, जैसे H2CO3 कार्बोनिक एसिड होता है, जैसे D7 है, पेप्सी वगैरह में होता है ना, पेप्सी वगैरह में जब आप वो पीते हैं ना, तो आपका पीएच 7.3 से 7.4 और 5 के दरमियान ही होता है, लेकिन अगर ये 7.3 से चेंज हो जाए, 8 हो जाए, तो वी कैन डाई, डेथ हो सकती है, हमारी मौत हो सकती है। तो पीएच को चेंज नहीं होना चाहिए, बफर सॉल्यूशन की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, पीएच अपना पीएच चेंज ना करे, अगर तो अपना पीएच चेंज करता है तो मतलब है इंसान की मौत हो जाएगी। तो आप कहेंगे सर ये तो हम बोतलें तो पीते, हम मरते ही नहीं है, इसलिए तो पीते क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह ने ब्लड जो है ना, ब्लड वो क्या डाला है, बफर सॉल्यूशन डाला है, और उसका क्या फायदा होता है बेटा, उसका फायदा ये होता है कि ब्लड हमारे जिस्म के अंदर एसिड को, ठीक है, हमारे जिस्म के अंदर एसिड को और बेस दोनों को, इन दोनों में से किसी को भी अपने पीएच चेंज करने नहीं देता है, जिसकी वजह से हम ब्लड को कहते हैं कि इट इज अ बफर सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है सब कुछ ना बेटा, कल हमने पढ़ लिया था, हेलो, एम आई राइट, बेसिकली अच्छा यहां तक तो आपको समझ आ यस गई, चले अब इसी से थोड़ा सा आगे चले जाते हैं बेटा, इसी से आगे ये जाएंगे, अब हमने क्या करना है कि प्रॉपर्टीज क्या है, एक अच्छे बफर सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ बफर, प्रॉपर्टीज ऑफ बफर, बफर की कुछ क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जिससे वो हम कहते हैं कि यार ये बफर है। इसकी तकरीबन हमने पढ़ी थी कि इसकी चार प्रॉपर्टीज है, फोर, फोर कौन कौन सी है बेटा, पहले नंबर वन पे हम डिस्कस ये करेंगे कि इसका डिफिनेट पीएच होगा, बफर सॉल्यूशन का एक डेफिनेट पीएच होना चाहिए, बिल्कुल है। दूसरी क्वालिटी क्या होनी चाहिए बेटा, पहली तो हो गई है डेफिनेट पीएच, दूसरा क्या होना चाहिए कि पीएच डज नॉट चेंज, पीएच डज नॉट चेंज, उसका पीएच चेंज नहीं होना चाहिए विद टाइम, वक्त के साथ साथ, विद टाइम, जैसे हम लोगों ने हमारा ब्लड है सुबह हमारा 7.3 होता है, शाम को 4.8 तक पहुंच जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पीएच चेंज ना हो, ऐसा सॉल्यूशन हमें चाहिए, और इसका क्या मतलब है
कि पीएच उसका चेंज ना हो डाइल्यूशन से भी है, पानी डालने से भी ना डाइल्यू चेंज हो, जैसे ब्लड डज नॉट चेंज यानी पीएच डज नॉट चेंज विद डाइल्यूशन, जैसे आप लोगों को ड्रिप वगैरह लगती है ठीक है, तो आपका जो खून होता है पतला हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसका पीएच चेंज हो जाता है, नहीं पीएच उसका सेम रहता है ठीक है। और हम ये कहते हैं कि पीएच स्लाइटली चेंज होना चाहिए, स्लाइटली चेंज होना चाहिए, कितना चेंज होना चाहिए, बहुत स्मॉल पीएच स्लाइटली चेंजेस चेंजेस व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस डाला जाए, स्मॉल अमाउंट में हम उसके अंदर क्या डालें, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस किसी के बफर के अंदर डालें, एसिड एंड बेस, बस ये चार क्वालिटीज होनी चाहिए बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए। आपने जब भी बफर सॉल्यूशन बेटा बनाना है ना, तो आपको बेटा इन चार बातों का ख्याल रखना है, जिसमें 1, 2, 3 और 4 ठीक है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कैसे ये हम ये वाकई ऐसा ही होता है या नहीं होता। चले तब अब इसको हम ऊपर लेके जाते हैं, और अब हम सर सर डेफिनेट पीएच वाला पॉइंट समझा देनी थी मुझे। हाँ कौन सा वाला बेटा, ये डेफिनेट डिफरेंट पीएच पीएच है ना, जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको बता देता हूँ यार, ये देखो जैसे ब्लड है ना, ब्लड हमारे ब्लड का जो पीएच है ठीक है बेटा, ये आपको पता है कितना होता है, ये है मेरे ख्याल में 7.3 से 7.45 होता है, इनके दरमियान में होता है। अगर 7 से हमारा पीएच ब्लड का 8 हो जाए तो हम मर जाएंगे, बस इसका मतलब ये है कि हमने अपना पीएच इसके दरमियान ही मेंटेन करना है, हमने मेंटेन करना है, हमारी मौत तो ऐसे ही होती है। आपको पता है जब हम कोई पॉइजन चीज खाते हैं ना, कोई पॉइजन वगैरह कोई जहर वगैरह खाते हैं ना, तो हम मरते क्यों है, क्योंकि हमारा ब्लड का पीएच चेंज हो जाता है, 7 से 8 हो जाता है, 9 हो जाता है, कभी 4 हो जाता है, कभी 3 हो जाता है, तो हम मर जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान में जब तक हमारा पीएच रहता है, जैसे आप आज चूहे मार गोलियां खा ले ठीक है, चूहे मार गोलियां जानते हो बेटा, नेफ्थलीन की जो गोलियां होती है, तो वो आपके ब्लड के अंदर क्या करेगा, आपका पीएच 7 से 8 कर देगा और आप मर जाएंगे। लोग समझते हैं इससे मर गया है, इससे नहीं मरा, वो ब्लड का जो पीएच हो गया ना वो चेंज हो जाएगा, हर चीज का पीएच है। अभी हम डिस्कस करेंगे, जब हम आगे थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे ठीक है, कि कहाँ कहाँ का पीएच होता है, जैसे हमारे खून का तो ये है ठीक है, इस तरह दूध का भी होता है, इसी तरह हमारे यहाँ आंखों के आंसू जो है ना, आंसू का भी होता है, टीयर्स का, अभी हम डिस्कस करेंगे उसी पे आएंगे थोड़ा सा ठीक है बेटा, आप मुझे थोड़ा सा आगे जाने देंगे तो हम आ जाएंगे ठीक है। ये तो हो गया, हमने पीएच की क्या पढ़ी बेटा, हमने पीएच की पढ़ी क्या प्रॉपर्टीज, अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं ठीक है। अब बेटा याद रखना, हम बफर को प्रिपेयर कैसे करेंगे, प्रिपरेशन, अगर हमने बनाना है प्रिपरेशन तो हमने क्या करना है, तो बेटा कल मैंने आपको बताया था कि हमने दो चीजें लेनी है बफर सॉल्यूशन की, तो हम पीएच बना सकते हैं क्या नहीं बेटा, एक तो आपने वीक एसिड लेना है, कोई भी वीक एसिड ले ले ठीक है, वीक एसिड लेना है, या इसी का साल्ट ले ले, या इट्स साल्ट ठीक है, ठीक है साल्ट लेना है ठीक है, वीक एसिड एंड साल्ट, और ये साल्ट कहां से लेना है, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस से लेना है। अब मैं आपको थोड़ा सा फर्क समझा रहा हूं, ये एक हो जाएगा, दूसरा क्या लेना बेटा, वीक बेस लेना है आपने, वीक बेस आपने लेना है, अगर वीक एसिड है तो वीक बेस प्लस इट्स साल्ट या उसी का साल्ट लेना है, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी याद रखना, ये आपने याद रखना है कैसे। अब देखो मैं इसमें थोड़ा सा फर्क दिखा रहा हूं आपको, देखो बेटा फर्क ये है ना कि यहां पर आपके पास वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है ठीक है, वीक एसिड जब लेंगे तो उसके साथ स्ट्रॉन्ग बेस आपने लेना है, इस तरह वीक बेस जब आप लेंगे बेटा ठीक है बेटा, तो उसके साथ आपने क्या लेना है, स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है, ये भी याद रखना। देखो यहाँ वीक एसिड है, यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ वीक बेस है, यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये डिफरेंस याद रखना ताकि आपको भूले ना ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको अभी बता देता हूँ, देखो अगर हम वीक एसिड लेते हैं, अब वीक एसिड कोई भी ले, जैसे एसिटिक एसिड ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड है, और इसी का जो साल्ट होगा, इसका साल्ट कौन सा होता है, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड ONA, ये इसका साल्ट हो गया, इन दोनों के सॉल्यूशन से जो बनेगा वो क्या होगा, बफर होगा। इसी तरह वीक बेस ले लेते हैं, वीक बेस जैसे अमोनिया ले लेते हैं, ये वीक बेस है ठीक है बेटा, ठीक
ठीक है, वीक बेस ले लेते हैं और इसका स्ट्रांग एसिड ले लेते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड ले लेते हैं, NH4Cl, इसका साल्ट ले लेते हैं ना, साल्ट ये साल्ट, अमोनियम क्लोराइड बेस ये है। अब इन दोनों के कम्बिनेशन से जो चीज बनेगी ना वो भी एक बफर होगा, और इन दोनों की कम्बिनेशन से भी जो बफर बनेगा, देखो इन दोनों की कम्बिनेशन से और इन दोनों की कम्बिनेशन से जो बनेगा वो होगा बफर सॉल्यूशन, ठीक है, बस ये याद रखना, इससे ज्यादा आपने नहीं अंग्रेजी माननी है, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट, अब हम एग्जाम्पल और भी बना लेते क्योंकि हमें एग्जाम्पल का बड़ा पता है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले क्या कर दिया, एग्जाम्पल के तौर पर कुछ एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल, क्योंकि ये तो हमने कल पढ़ा था। जी बेटा, आपने पहला जो नाम लिखा था वो क्या था, एसिटिक एसिड, इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। और इसका जो साल्ट है वो क्या है बेटा, इसका जो साल्ट है वो सोडियम एसीटेट है, उसको क्या क्या कहते हैं, सोडियम एसीटेट। अब दोनों के फार्मूले भी अगर आपको नहीं आते तो खैर मैं लिख देता हूँ। एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH, और सोडियम एसिटेट का है CH3C डबल बॉन्ड ONA, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गई, इन दोनों के कम्बिनेशन से बफर सॉल्यूशन बनेगा, इनसे हमें क्या बनेगा बेटा, बफर सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है बेटा, ये याद रखो। अच्छा आज मैं एक और अगर मैं कहूँ, ये एग्जाम्पल नंबर वन हो गई, एग्जाम्पल नंबर वन। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर टू पे आते हैं, हम एक और ले लेते हैं, हम फास्फोरिक एसिड ले लेते हैं, फास्फोरिक एसिड ले लेते हैं, ठीक है बेटा, और उसका साल्ट ले लेते हैं, तो उसका पोटाशियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट कहते हैं, पोटाशियम, पोटाशियम डाइहाइड्रोजन, यानी दो हाइड्रोजन है, डाइहाइड्रोजन फास्फेट। अब इसका फार्मूला अब मैं लिखूंगा तो आपको समझ, फास्फोरिक एसिड का तो फार्मूला क्या हो जाएगा, H3PO4 और H2HPO क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। ये फास्फेट का फार्मूला है, H2 ये वाला, ठीक है। एग्जाम्पल आपने कोई भी लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। या आप अगर आप इसको कह सकते हैं पोटाशियम भी कह सकते हैं, या इसको सोडियम भी कह सकते हैं, ठीक है, या आप यहाँ पे एक और नाम भी ले सकते हैं, NaH2PO4 भी कह सकते हैं, NaH2, बल्कि मैं इसको एक और भी लिख देता हूँ, क्या याद रखेंगे यार, ये लो, इधर एक और नाम भी लिख सकता हूँ, नाम क्या है बेटा, Na सोडियम, दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, H2PO4। पोटाशियम भी, यहाँ पे आप पोटाशियम भी लिख सकते हैं, KH2PO4 भी सकते हैं, यहाँ पे सोडियम भी लिख सकते हैं, सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट या पोटाशियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट, ये दोनों मिल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर थ्री में आते हैं बेटा, थ्री की एग्जाम्पल भी आपको, एक तीसरी एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल बहुत है, आप कोई भी बना लें, ठीक है। आप ले ले बेटा कार्बोनेट भी कर सकते हैं, H2CO3 भी कर सकते हैं, कार्बोनिक एसिड है, और इसके इसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं, और इसका जो एसिड होगा वो क्या होगा, NaHCO3 होगा, ये लो, सोडियम बाई कार्बोनेट, इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड जो फिजी ड्रिंक्स में होता है, और सोडियम बाई कार्बोनेट इसको कहते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। बेटा इन दोनों के कम्बिनेशन से भी हम क्या बना सकते हैं, बफर सॉल्यूशन बना सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल भी ले लेते हैं, मैं एग्जांपल ही लेते रहे, बस बनाते रहे घर में जाके आराम से, सर बनाते रहे। सर 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 एक सवाल है सर, जी बेटा बोलो जब ये बोलो। लॉन्ग के लिए आएगा तो सर कौन से रखने हैं, पॉइंट्स कितने लिखने हैं, एक डेफिनेशन होगी बेटा दूसरे डिपेंड इसके करता है मार्क्स पे ना, अगर 8 नंबर का आता है ना तो आपने सारा लिखना है, 4 नंबर का आता है तो 4 नंबर, 2 नंबर का आता सारे है में तो दो हेडिंग क्या नंबर का, लिखनी है। लेकिन हमेशा ये शॉर्ट शॉर्ट कर, आपको पता है ना आपके इस बार जो पेपर है उन्होंने मार्किंग है, स्क्रीन मार्किंग पे होगा तो आपको जगह अलाट होगी, तो कोशिश करें ना उस जगह को फिल करना है बस, अगर आपके पास 10 लाइनें हैं तो 10 लाइनें में फिल करनी है, 4 लाइनें गिवन है तो 4 को फिल करनी है, खत्म, ठीक है। नहीं सर वो क्या कहते हैं, लिख क्या क्या पॉइंट्स हेडिंग से लिखने हैं, जिसने पिछले हेडिंग, क्वेश्चन किया यहाँ ये हेडिंग हेडिंग आपको अभी सारी अभी बता दूं या थोड़ी देर बाद बता दूं मैं, बफर बता सॉल्यूशन दे जब भी सर। आएगा चाहे बताया, तो एक तो बफर की डेफिनेशन, बफर सॉल्यूशन की आपने लिखनी है क्या डेफिनेशन, ठीक है, ये अब तो एक डेफिनेशन पॉइंट ही हो गया, ठीक है, कि बफर सॉल्यूशन जब भी आएगा आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर ओके, फिर बफर सॉल्यूशन का आपके पास क्या हो जाएगा, बफर सॉल्यूशन की आपने लिखनी है प्रॉपर्टीज,
प्रॉपर्टीज अभी जो मैंने बताया, ठीक है। फिर बफर सॉल्यूशन की तीसरी हेडिंग आपने क्या लिखनी है बेटा, तीसरी है उसकी आपने प्रिपरेशन लिखनी है, कैसे बनाएंगे। फिर बफर सॉल्यूशन की आपने एग्जांपल लिखनी है कि कौन कौन से एग्जांपल है। फिर बफर सॉल्यूशन का आपने क्या करना है बेटा, प्रिपरेशन तो मैंने आपको दो बता दिए। फिर उसके बारे में फैक्ट कौन कौन से है, फैक्ट का मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी। फिर बफर सॉल्यूशन की एप्लीकेशन है ये भी आपने बतानी है, ठीक है। और बफर सॉल्यूशन की एप्लीकेशन बहुत, इसमें से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर इसमें बफर एक्शन क्या होता है, बफर एक्शन क्या होता है ये भी आपने बताना है। अभी ये टॉपिक लेंथी नहीं से बता रहा हूँ। फिर आपने ये लिखना है कि बफर कैपेसिटी क्या होती है, बफर कैपेसिटी क्या होती है, वन बाय वन ऐसा डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आखिर में आपने क्या लिखना है, एक इक्वेशन है लेकिन वो इस टॉपिक में, ये सारे टॉपिक आपने कवर करना है। अभी हमने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, फैक्ट हमने पढ़ लिया, अब हम ये दो तीन चार चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा, हाँ एग्जाम्पल हो गया, फैक्ट फिर से बता दो। अच्छा फैक्ट पढ़ लेते हैं, चले फैक्ट पे आ जाते हैं। आप लोग मुझे छोड़ोगे तो मैं कुछ पढ़ाऊंगा ना, आप लोग मुझे बेचारे, आप टाइम लोग ही समझते खत्म हैं कि हो गया। पहले दिन ही सब कुछ पढ़ा दूँ। चलो फैक्ट्स पे आते हैं, फैक्ट्स पे आते हैं, एग्जाम्पल होगी ये ना बेटा। यस सर। अच्छा एग्जाम्पल के बाद आती है फैक्ट्स। अच्छा इसमें एक और एग्जाम्पल भी मैं नोट कर लूँ, पीछे कर लूँ थोड़ा सा, एक एग्जाम्पल एक और नोट कर लूँ यार, एक और एग्जाम्पल भी नोट कर लो। कौन सा था बेटा, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच फार्मिक एसिड है, और इसका एच सी डबल बॉन्ड ओ एन है, ये फार्मिक एसिड है, ये भी एक एग्जाम्पल है बेटा, और इसका नाम है सोडियम फार्मेट। इन सब से आप बना सकते हैं बफर, बस ठीक है। ये पांच एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, ठीक है बेटा। ओके सर। ओके नेक्स्ट फैक्ट क्या है बेटा, इसका फैक्ट क्या है। पहला फैक्ट ये होता है ना बेटा कि बेटा, वन मिनट, नेक्स्ट मैम तंजील आ गई है, ये फैजान बहुत पढ़े आजकल, हर क्लास में आ जाते हैं। एक बच्चा है, अपने फ्यूचर की परवाह है बेटा आपको उसको। आवाज आ रही है। यस सर। ओके फैक्ट्स, व्हाट वर द फैक्ट्स बेटा, जो फैक्ट्स थी ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन चार फैक्ट्स है, मैं आपको पहले एक बता देता हूँ। पहला फैक्ट ये है ना बेटा कि इस किसी भी, जब हम कंबाइन करते हैं ना, याद रखना, तो हम जो लेते हैं वीक एसिड जब भी लेंगे, ओहो ओहो, वीक एसिड जब भी लेंगे ना, वीक एसिड जब भी लेंगे तो इट्स कॉन्जुगेट बेस लेना है, बेस जो है लेना, इसका कॉन्जुगेट बेस लेना है, कॉन्जुगेट बेस, ये हमने पहले पढ़ा था, ठीक है बेटा, ठीक है। और जब भी हम क्या लेंगे, वीक बेस लेंगे बेटा, जब भी हम वीक बेस लेंगे ना तो इट्स कॉन्जुगेट एसिड लेना है, ये तो पहला फैक्ट है। जैसे अभी मैंने बताया ना, वीक एसिड मैंने क्या लिया था, CH3 C डबल बॉन्ड ओ एच एसिड, तो कॉन्जुगेट बेस इसका क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड ओ एन ए बेस, इस तरह इन दोनों के कम्बिनेशन से बनेगा, ठीक है। तो पहला फैक्ट तो मैंने आपको बता दिया है, अब सेकंड फैक्ट समझ लें, पहला फैक्ट ये हुआ, दूसरा क्या है। अच्छा कि पहला फैक्ट क्या है कि बफर सॉल्यूशन के अंदर हम ये कह सकते हैं कि बफर सॉल्यूशन के अंदर क्या होना चाहिए, क्या कहते हैं, रिजिस्ट करेगा, उसमें रेजिस्टेंस होना चाहिए, रेजिस्ट टू चेंज इट्स पीएच, टू चेंज इट्स पीएच, पीएच चेंज करने के खिलाफ लड़ाई करेगा, थोड़ा बहुत लड़ाई करेगा, ठीक है। क्या होगा जब, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड, अगर आप थोड़ा सा एसिड डालते हैं ना या बेस डालते हैं तो बेटा उसका क्या होगा, वो रेजिस्ट करेगा बेटा, वो लड़ाई करेगा, ऐसे नहीं कहेगा अच्छा ठीक है डाल दे मेरे अंदर एसिड डाल दो, ऐसे नहीं होगा बेटा, वो रेजिस्ट करेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा उसके अंदर है क्वालिटी है कि जब आप उसके, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, नंबर थर्ड पे फैक्ट पे आते हैं, नंबर थर्ड फैक्ट क्या होता है बेटा। अच्छा तो जो बफर सॉल्यूशन होता है बेटा ये क्या करता है, मेंटेन इट्स स्टेबिलिटी, मेंटेन इट्स स्टेबिलिटी,
स्टेबिलिटी को ये मेंटेन करता है, स्टेबिलिटी। यानी जब हाइड्रोजन आयन शिफ्ट होता है ना, यहाँ से OH में आयन में शिफ्ट होता है या OH इधर शिफ्ट होता है, तो पीएच से चेंज होने से ये इसकी स्टेबिलिटी चेंज नहीं होती, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये तीन चार फैक्ट है बस, ज्यादा नहीं, बस तीन चार फैक्ट करने, ज्यादा हमारे सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। आगे आगे देखे बेटा, इसकी एप्लीकेशन देखे, बहुत इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन। आप टाइम खत्म हो गया, 5 मिनट ऊपर, खैर है बेटा कोई मसला नहीं, बस टाइम खत्म होने वाला है। नंबर वन एप्लीकेशन क्या होता है कि इम्पोर्टेंट रोल है इसका बेटा, कहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल है बेटा, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा, ठीक है। दूसरा क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इस्तेमाल होता है, ये भी याद रखना, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ये इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर में भी इस्तेमाल होता है, कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर, ये भी, बस आपने सिर्फ नाम लिखना है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो, ठीक है। इसी तरह कहाँ का इस्तेमाल होता है, बायोलॉजिकल सिस्टम में भी इस्तेमाल होता है, बायोलॉजिकल सिस्टम में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, बहुत से बायोलॉजिकल सिस्टम में इस्तेमाल होता है, ठीक है। इस तरह बैक्टीरिया की ग्रोथ में भी इस्तेमाल होता है, मीडियम देता है, ठीक है ना, कल्चर मीडिया में भी इस्तेमाल होता है, कल्चर मीडिया, ये कल्चर मीडिया क्या होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होता है, अगर आपने बैक्टीरिया बनाने हैं तो इसके में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। बस ये थोड़े से टॉपिक थे, इंशाल्लाह कल इसके साथ मजीद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। यस सर, थैंक यू बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।